मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये बैठा हुआ मेरा बच्चा, कहाँ जा रहे हो भाईजान? माशाल्लाह तैयार होकर स्कूल, क्या पढ़ोगे वहाँ पर? आप अपने भैया का ख्याल रखना भाई साहब, शरारतें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हसन, आपका दिल नहीं चाह रहा क्या घर जाने का? हाँ दिखाओ। अरे भाई माशाल्लाह, देखिए हसन ने कितना अच्छा काम करा है आज। अरे भाई शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। 8:10 बाकी हैं और ये बैठा हुआ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो भाईजान? माशाल्लाह तैयार होकर स्कूल, क्या पढ़ोगे वहाँ पर? छोटी ABCD। नहीं ना, आपको तो कुरान हाफिज बनना है ना। देखो आपका यूनिफॉर्म कैसा है, टोपी है और कमीज सलवार है, अभी आप शूज पहन के जा रहे हैं। जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, फिर आप भैया की तरह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, फिर आप अली की तरह जाएंगे, आप स्लीपर पहनेंगे, कमीज सलवार के ऊपर टोपी, है ना अली? आप अपने भैया का ख्याल रखना, ठीक है भाईजान? भाईजान, हेलो भाई साहब, शरारतें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरा, तब मैं खेलूंगा। जब काम हो जाएगा खेलोगे? कौन सा खेलोगे वहाँ पे मदरसे में? छुपन छुपाई। अरे भाई किसके साथ खेलोगे छुपन छुपाई? भैया के साथ खेलोगे? भैया की क्लास अलग है, आपकी अलग है। आज आपको कौन छोड़ने जा रहा है? मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ आओगे? सीन ऐसा है कि अभी हसन की ना छुट्टी 10 या 11 ही हो जाएगी, क्योंकि लेट नहीं आएगा अभी हसन। अभी हसन का फर्स्ट डे है ना आज। अब आप तैयार हो? चले हम लोग, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो। चलो भाई हसन का बैग उठा लेते हैं। हसन के मदरसे का फर्स्ट डे है और आज हसन को बुखार और नजला भी हो रहा है भाई। अब इस बच्चे को जुनून इतना है, इसकी मम्मा कह रही छुट्टी कर लो बेटा, कल से चले जाना। बोल रहा है नहीं भाई, मैं आज से ही जाऊंगा। मेरी बात सुनो, आज आप छुट्टी कर लो, कल से चले जाना प्लीज ना हसन। चलो आ जाओ भाई। अली के रक्षे वाले को मैंने मना कर दिया कि यार आज आप चले जाएं, 2-3 ना मैं ही छोड़कर आऊंगा अली और हसन को। अली घर से बाहर निकलने की दुआ। माशाल्लाह, आ जाओ हसन। सफर के दुआ सुबह आना जी, शक्का नना आजा वना कोना नमु कबे गु वैना तारा बिना नमु कबे मु। अली अपना ख्याल रखना, ठीक है? हसन दिल लगा के पढ़ना, ठीक है? पापा की याद तो नहीं आएगी? नहीं आएगी? लो भाई नहीं आएगी, आ जाओ। हाँ ये वाला स्कूल है आपका, आओ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ मम्मा के साथ जाओ, हाथ पकड़ के। ये ले इनका हाथ पकड़े, जाओ मम्मा के साथ जाओ। अल्लाह हाफिज हसन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हसन को स्कूल छोड़ दिया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत सन्नाटा हो रहा है यार, दिल्ली से भागना पड़ेगा, ऐसा ना हो मोबाइल छिन जाए। ज्यादातर स्नैचिंग सुबह के टाइम ही होती है भाई। जब मैं हसन को छोड़ने जा रहा था तो इतना रश हो रहा था रोडों के ऊपर, 5 मिनट के अंदर अंदर सन्नाटा हो गया। ये देखें गली में कितना सन्नाटा हो रहा है। अब जल्दी से गेट खोल के अंदर निकल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम इसको छोड़कर तो आ गए, मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि इसको फीवर हो रहा है यार। फीवर रात भर था, अभी तो उतर गया था, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था भेजने का उसको। वो तो यूनिफॉर्म लेकर आ गया, कह रहा है मुझे पहनाओ, मुझे जाना है भैया के साथ। भाई उसको इतना जुनून चढ़ा हुआ लड़के को कि बस मैंने पढ़ने जाना है, मैंने पढ़ने जाना है। भैया जाएगा, मैं भी जाऊंगा। चलो यार 1-2 आराम कर लेते हैं, फिर हसन को मदरसे से लेकर भी आना है वापसी। आप लोगों से मुलाकात होगी 2 बाद। A few moments later. क्या टाइम हो गया है? वो 10 भाई। चलो भाई हसन को लेने चले यार, हसन मेरा इंतजार कर रहा होगा यार। बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है यार, ऐसा लग रहा है मैं स्कूल लग गया हूँ। मजे की नींद आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हसन की मम्मा ना हसन को लेने के लिए गई हैं। अभी हसन ये वाली क्लास में से निकल कर बाहर आएगा। शर्माते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कहाँ थे आप? अली की छुट्टी नहीं, अली की छुट्टी अभी नहीं हुई। इधर देखो, आपको मजा आया आज? मम्मा कहे वहाँ पर अंदर है। हसन आपका दिल नहीं चाह रहा क्या घर जाने का? हैं? हाँ दिखाओ।
अरे भाई माशाल्लाह, देखिए हसन ने कितना अच्छा काम करा है आज। अरे भाई बैग में रख के लेकर आओ ना, जल्दी से जल्दी जाओ, भाग के जाओ, दिल ही नहीं चाह रहा भाई घर जाने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आ जाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अब कौन सी कॉपी लेकर आ गए, क्या कर रहे हो, होमवर्क दिखा रहे हो? हसन घर चल के दिखाना भाई एक एक करके कॉपी। भाई हसन ने बहुत जबरदस्त काम करा है, मम्मा को बुला के लेकर आ जाओ यार। एक तो मैं नींदों में हूँ, बच्चा बैग में से एक एक कॉपी निकाल के ला रहा है यार। हाँ बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है, रखो उसको रखो, घर जाके देखेंगे। मम्मा को बुला के लाओ जल्दी से। आ गए भाई, आ गए, शुक्र है यार। चलो भाई बैठो बाइक के ऊपर, आ जाओ। अरे भाई 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 इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। 1 2 3 ये बैठ गया मेरा फौजी। क्या बोली इनकी टीचर? बिल्कुल सेट थे, ना रोए ना याद करा मम्मा पापा को। आपको मम्मा पापा की याद नहीं आई थी? मजा आ रहा था स्कूल में, चले घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हसन को हम लेकर घर पर आ गए हैं। हसन आपका पहला दिन कैसा गुजरा मदरसे में? अच्छा, बहुत अच्छा। वाह भाई, चलो आ जाओ भाई, आप घर में चलते हैं, आ जाओ। कोई ख्यालों की तपिश जिंदा कर जाएगा, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ? अंदर तो लाओ भाई। नहीं नहीं बाइक को ऐसे रहने दो, आ जाओ। अरे भाई जान, एक तो ये 1 2 3 फौजी, आ जाओ भाई। देखो भाई फौजी बच्चे, अब जल्दी से कपड़े उतारो, ठीक है, और थोड़ी देर सो जाओ, फिर भैया आएगा ना, फिर उठ जाना, ठीक है? पापा। क्या? नहीं, मैं अभी उठना है। अभी उठना है? तो उठे हुए तो ये क्या कर रहे हो, खुद ही उतार दो सॉक्स और शूज वगैरह। कहाँ रखोगे ये? इसके अंदर रखते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा बच्चा है भाई। ये देखें भाई, अब इसके अंदर भी ये सॉक्स रखेगा बच्चा। ये किसने सिखाया आपको? मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया है, माशाल्लाह भाई। अब कहाँ रखोगे ये? अब कहाँ लेके जा रहे हो ये? ये कहाँ लेके जा रहे हो अब? अरे अरे भाई जान, बॉक्स में रखोगे? ऐसी रख दो, ऐसी रख दो, कोई मसला नहीं है, बेड के नीचे ऐसी रख दो। अच्छा। अरे रख दो भाई, मुझे नींद आ रही है, सोने नहीं दोगी क्या? बस जल्दी से रख दो। अरे सारे काम ये आज ही करेंगे, चलो बस आ जाओ। कपड़े भी डाला। पापा का बेटा आ गया, अब आज से सकुन से सो जाओ। अरे भाई शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बेटा आ गया, अब आप सकून से सो जाओ। बेगम लाइट बंद कर दे भाई। 10 hours later. जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को कहा कि लाइट ऑफ कर दे, उन्होंने तो बाद में करी, उससे पहले कि इलेक्ट्रिक वालों ने हमारी लाइट बंद कर दी यार। उसको करे हुए भी कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए, अब कैसे सोए भाई, नींद भी नहीं आ सकती गर्मी के अंदर। जनरेटर वाले भाई को कॉल कर दिया, आ जाओ भाई, गर्मी में गुजारा नहीं है हमारा। अरे भाईजान भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन? जाओ दिल लगा के पढ़ना दोनों भाई, अल्लाह हाफिज। चलो भाई जनरेटर चल गया है, ऑन हो जाओ यार। ओए होए होए, आज का दिन कभी भी नहीं भूलूंगा। जब से हसन को मदरसे छोड़कर आया था ना, तब से लाइट नहीं थी, उसके बाद हमारे जनरेटर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया यार। Deep down in my heart. और अपने जनरेटर को सही होते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, पर मुझे नहीं पता था यार जनरेटर भी सही हो जाएगा और लाइट भी आ जाएगी। आज के ब्लॉग में जितनी मेरी मेहनत लगी है, इससे पहले किसी भी ब्लॉग में नहीं लगी, क्योंकि आपका भाई पूरी रात का जागा हुआ है, पूरे दिन का जागा हुआ है। अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, अपना ख्याल रखिएगा आप, बस चैनल को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, मेरी हालत पे भी मत जाइएगा, क्योंकि लाइट नहीं होती ना तो इंसान की ऐसी हालत हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह हाफिज। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को कहा कि लाइट ऑफ कर दें, उन्होंने तो नहीं करा। आपका बेटा आ गया, अब आप सुकून से सो जाओ। बेगम लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, एक मिनट जब बोलूँ ना, जब बोलूँ। बेगम लाइट बंद कर दें भाई।